हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ फिन्स एंड फेदर्स एक्वेरियम में, जो माहिम वेस्ट में है, नियर इंदुजा हॉस्पिटल। और ये 24 आवर्स ओपन रहता है। तो ओनर जो है वो यहाँ पे ही स्टे करते हैं नियर बाय। और यहाँ पे आपको मैं बहुत सब फिश स्टॉक दिखाऊंगा आज, और लो टेक और हाईटेक के प्लांट्स भी दिखेंगे, और इनका ब्रीडिंग स्टॉक भी है ऊपर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल फिशेस मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके बाद में, पर उससे पहले हम लोग यहाँ के ओनर से बात करते हैं। हाय साई सर। हेलो। तो सर, मुझे पूछना था आपका ये हॉबी में आप कितने टाइम से हो? हॉबी तो काफी सालों से, अभी मुझे बिजनेस प्रॉपरली एस्टेब्लिश करके 10 साल हो गए, 2012 से यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके। और उसके पहले से हॉबी है मेरा, बचपन से हॉबी समझ लो। अच्छा अच्छा, तो ये काफी टाइम से कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आप रहने को यहाँ पे नियर बाई है? ये पूरा आप लोग का ही ओन प्रॉपर्टी है। okay, okay. ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं और ये नीचे शॉप है। okay, okay. तो ये 24 आवर्स शॉप रहता है, कभी भी कस्टमर आ सकते हैं कॉल करके या फिर डायरेक्ट वॉक इन कर सकते हैं। या तो फिर एक अच्छा है, कभी इमरजेंसी में किसी को कोई फिल्टर या कुछ चाहिए तो आपको कॉल कर सकते हैं, कस्टमर कभी भी कोई भी टाइम पे आ सकते हैं। या और या मतलब एनी डे, कोई भी डे ऐसा बंद नहीं रहेगा? नहीं, नहीं, कोई भी डे बंद नहीं रहता है, एवरी डे चालू रहता है। ओके। तो आपके इस फिश स्टोर में आज क्या देखने मिलेगा हमें? यहाँ पे लोकल तो नहीं है ज्यादा करके, मोस्टली आपको टेट्रा एक्सोटिक वैरायटीज ये सब आपको देखने को मिलेगा। कप्पीज का वैरायटी है, टेट्रा का, रेनबोज का। ओके। ऑलमोस्ट मतलब जो सब रेयर नॉर्मल फिश स्टोर में नहीं दिखता है ऐसा सब वैरायटी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लोटेक का ऐसा टैंक सेटअप करके भी मिलेगा? हाँ, लोटेक का प्लांट प्लांटेशन सेटअप हो गया, बाद में ओनली ड्रिप फूड का सेटअप जो होता है, ओनली रॉकी सेटअप वैसे करके मिलेगा, हाईटेक सेटअप भी करके हो जाएगा। ओके ओके। कस्टमर का जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा वो हिसाब से हम लोग उनको बना के दे देंगे। अच्छा अच्छा। और मैंने कुछ हॉबीज से सुना था कि आप ब्रीड भी करते हो फिशेस? हाँ, ये ऊपर के फ्लोर पे मेरा एचवी है, वहाँ पे भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो वहाँ पे एंजल्स है, बोस्मानी रेनबो, ऑस्ट्रेलियन रेनबो। अच्छा। और सिल्वर डॉलर अभी चालू किया मैंने, मतलब काफी सारा जो जम रहा है वो सब वैरायटी में ब्रीड कर रहा हूँ। ओके। तो चलिए हम फिर आपका ये फिश स्टॉक और टैंक सेटअप देखते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इनका डिस्प्ले टैंक है 3 फीट का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें अभी बहुत से फिश स्टॉक्स है और लोटेक के प्लांट्स है, ड्रिफ्ट वुड्स है। और ये कौन से सैंड है यहाँ पे? ये कोरल सैंड है। एक्चुअली हमने ये चिकलेट सेटअप बनाया था, बाद में इसको कन्वर्ट करके प्लांट लोटेक प्लांट सेटअप में कन्वर्ट कर दिया। ओके ओके। ओके। अच्छा, यहाँ पे काफी सारे लोटेक प्लांट्स है, जैसे कि ये लिम्नोफिला सेसिफ्लोरा जो कोबम्बा जैसा दिखता है। या ये पोगोस्टेमोन ऑक्टोपस है, उसके बाद में लुडविगिया इंक्लिनाटा है। या तो ये भी लोटेक है, ये जब भी आता है ग्रीन होता है, अगर आप प्रॉपरली इसे रखोगे तो ये ऐसे रेड में टर्न हो जाता है। ओके। ऑलमोस्ट ये हाइग्रोफिला कोरिम्बोसा हो गया जो अभी सामने आपको दिख रहा है। उसके लेफ्ट साइड में है रोटाला वैली शीप जिसको फॉक्सटेल कहते हैं। ओके। जावापन है उसके लेफ्ट साइड में बड़ा साइज। तो ये सब आपको लोटेक प्लांट्स है जो आप मतलब प्रॉपरली ऐसे लो लाइट में रख सकते हैं, रख सकते हो या फिर लो मेंटेनेंस रख सकते हो। या और इसमें ये कौन से रॉक्स है यहाँ पे? ये थोड़ा स्लेट रॉक डाला हमने, ये बुद्धा का मूर्ति के सामने ऐसा थोड़ा सा एक डिजाइन करने का किया हुआ है। और ये लावा रॉक है, लावा रॉक है यहाँ पर। और ये अपना एक ड्रिप फूड रखा हुआ है उसके सेंटर पीस में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ड्रिप फ्रूट्स और रॉक्स का भी इनके पास बहुत स्टॉक है, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और क्या फिशेस है इसमें? कुछ मेरे को वेलटेल फिशेस दिखे। वेलटेल में टाइगर बार्ब्स है इसमें, ये देखिए। हाँ, इसमें देखो, ये अल्बिनो भी है और ऑर्डिनरी वाला भी है। या टाइगर बार्ब्स है, रमिनोज है, रमिनोज में सादा वाला भी है, ब्रिलियंट रमिनोज भी है, ग्रीन फ्लोरेसेंट टाइगर बाब है, बलून रैम्स है, बलून रैम्स है यहाँ पे, रेड विडो डेट्रा हो गया, उसके बाद में कुछ एंजल्स है यहाँ पे, एंजल्स भी है, एंजल्स में जेट ब्लैक्स भी है। या वो देखिए बैक साइड में जेट ब्लैक्स भी है और विडोज में भी कुछ वेलटेल्स है। हाँ। और ये कौन सी फिश है? ये फेदर फिन कैटफिश है। ओके। फेदर फिन कैटफिश, ये बोलिवियन रैम है पीछे। ओके। यहाँ पे ना बैक साइड में बड़े साइज में, बड़ा साइज में, या अराउंड 2 इंचेस के ऊपर है, 2 इंचेस प्लस है। हाँ, ये रॉयल विप्टेल है। ओके। इसमें दो वैरायटीज आता है, एक ये रॉयल विप्टेल है और सेकंड आता है रेड विप्टेल। ओके। ये आपको शॉप में सेलिंग के लिए मिल जाएगा। और फेदर फिन रेनबो, या फिर इसको बोलते हैं थ्रेड फिन रेनबो, या तो ये भी हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है। उसके बाजू में है गर्ट्रूड रेनबो, या ब्यूटीफुल कलरेशन है फिश का।
और इसमें नियॉन रेनबोज भी है राइट? हाँ नियॉन रेनबोज भी है, ये फीमेल है, इसमें मेल भी आता है, मेल को और ब्राइटर कलर आता है। ओके ओके, तो ये ब्लैक डायमंड नियॉन है। ओके, तो फुल ब्लैकिश कलर में, फुल ब्लैकिश कलर में ये बलून जर्मन ब्लू रैम है या, और इसके साइड में जो छोटा वाला दिख रहा है ये पैंडा का रहा है या, ये अच्छा एलिगेटर है या तो ये भी आप प्लांटेड टैंक में भी रख सकते हो, नॉर्मल टैंक में भी रख सकते हो। ओके, और एक्सोटिक फिशेस का स्टॉक आपके पास आते रहता है? एक्सोटिक हर 15 दिन में मेरे पास में कुछ ना कुछ स्टॉक्स एक्सोटिक का आते रहता है। ओके ओके, तो फ्रेंड्स चलिए इनका पूरा फिश स्टॉक अभी देखते हैं। और ये देखिए बड़े साइज का अराउंड ये रहेगा 2 इंचेस का गोल्डन एलिगेटर है यहाँ पे, तो एक इनका ब्यूटीफुल सा टैंक सेटअप है। और ये फिल्टर के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, ये कौन सा फिल्टर है? ये हैंग ऑन फिल्टर है, इसको वाटरफॉल फिल्टर भी कहते हैं। या ये फिल्टर से हम लोग ये जो टैंक है हाँ। ये हम लोग 2 से 3 महीने में एक बार क्लीन करते हैं, ये अभी हम लोग ने क्लीन किए हुए ओके विदाउट वाटर चेंज, इसको 15 डेज हुआ है। ओके, और ये कौन सा है? आरएस का, आरएस का, आरएस का 3000 नंबर मॉडल है, तो ये 3 फीट के टैंक के लिए सफिशियंट है। सफिशियंट है राइट। ओके, तो ऐसे फिल्टर्स भी मिलेंगे आपके? फिल्टर्स भी मिलेगा, ऐसे okay, okay. सब है अपने पास में। ओके ओके, क्योंकि ये इतना क्लीन है अभी ये टैंक, आप देख सकते हो ये देखिए, और एक साइड से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। और कुछ यहाँ पे श्रिम्स के भी टैंक्स है राइट? हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स इसमें श्रिम्स है, येलो श्रिम्स है, येलो श्रिम्स है, इसको गोल्डन श्रिम्स भी कहते हैं। ओके ओके, ये येलो श्रिम्स है, ये आपको आएगा 100 रुपीज पेयर। ओके 100 रुपीज पेयर, और डजन में भी डजन मिलेगा? में मिलेगा आपको ये 500 का डजन आएगा। ओके ओके, और ये कौन से प्लांट्स है ऊपर? ये डकवीड है, डकवीड है। ओके, तो कुछ और रेड श्रिम्स भी है? रेड श्रिम्स भी है। ओके, रेड में ये रेड फायर है और रेड चेरी भी आता है, रेड चेरी जो आता है 60 रुपीज का पेयर आता है। ओके, और जो फायर रेड आता है इम्पोर्टेड वाला वो आपको 100 रुपीज का पेयर मिल जाएगा। ओके, फायर रेड 100 रुपीज का पेयर। ये देखिए ब्लैक श्रीम है यहाँ पे, ये ब्लैक है, इसमें ब्लैक आता है, ब्लू आता है। ओके, आपको आता है 150 का पेयर, 150 का पेयर आता है राइट। और बैक साइड में एक सिंगल पीस अमानो श्रीम है, या बड़ा साइज में अमानो है या, तो अमानो श्रीम अपने को आता है 250 का पैर। ओके, 250 का पैर। हाँ, ओके, अच्छा गुड साइज का। फिलहाल अभी इसमें एक स्मॉल साइज भी दिख रहा है मेरे को। हाँ, यहाँ पे ब्रीड होते रहते हैं। अच्छा, उसमें जो कभी कभी कलरलेस भी आ जाते हैं। ओके ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ टैंक सेटअप है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अराउंड 16 इंचेस का है और इसमें अभी जैपनीज सॉइल है राइट? हाँ, जैपनीज सॉइल है। ओके, और का आता है जैपनीज सॉइल, वो डाला हुआ है। ओके, और ये कंप्लीट सेटअप हमने सेल के लिए रखा हुआ है। ओके, इसमें करीब अराउंड 6 to 7 टाइप्स के प्लांट्स है, मॉस है या, और फिशेस है, फिशेस का और फिल्टर लाइट, कंप्लीट सेटअप ये सेल के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। कौन सा ये फिल्टर है? 2000 का फिल्टर लगा हुआ है। ओके ओके, तो ये देखिए, और इसका हाइट भी अराउंड रहेगा 1 फीट के आसपास। हाँ, 1 फीट हाइट है इसका, डेप्थ में इसका 10 इंचेस है। ओके, और लेंथ 16 इंचेस। या तो ये मोल्डिंग ग्लास में बना हुआ टैंक है। या तो इनका शो एक अच्छा आता है, तो ये पूरा एक से टैंक सेटअप करके भी मिलेगा। और इसका क्या है प्राइस? ये 8000 का कंप्लीट सेटअप है, विद लाइट, फिल्टर, टैंक, एवरीथिंग, कंप्लीट सेटअप। और ये कस्टमर के घर पे जाके हम पूरा सेट करके दे देंगे। ओके ओके, और एक ये ऐसे सिंपल से भी एक सिंपल सेटअप सेटअप मिलेगा, अभी इस पे भी काम चालू है। ओके, ये अभी स्टार्ट किया है बनाने को, ये भी सेट हो जाएगा तो इसका भी प्राइस आ जाएगा। ओके, तो ओके, इसमें एसेसरीज ऐड हो जाएंगे। हाँ, अकॉर्डिंगली उसका प्राइस टैग वहां पे लग जाएगा। ओके ओके, तो ये ऐसे टैंक सेटअप्स भी करके मिलेंगे और नैनो टैंक सेटअप भी आपको यहाँ पे करके मिलेंगे। और नीचे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये 4 फीट के अराउंड रहेगा टैंक राइट? हाँ, 4 फीट का टैंक है, 4x18x18 या 1.5x1.5। तो इसमें अभी कोइज है और बहुत बड़ा एक प्लेको है, ये देखिए, तो ये अराउंड रहेगा 8 to 10 इंचेस का प्लेको। तो ये कोइज इसमें मिल्की वाइट वेल्टल में है, और जापानीज कोई में कोहाकू और उत्सेरी कोई बोलते हैं, जिसको ट्राई कलर का जो कोई है तो वो सब है। ओके, ये अराउंड 5 इंचेस प्लस साइज के है। हाँ, ये आपको 250 रुपीज के पेयर आते हैं।
ओके 250 के पैर ओके। इसमें हमारे पास में कबूतर कोई भी आता है, ये बाकी दूसरा वैरायटीज भी है सबको इसका ओके। तो ये सब 200-250 आसपास इसका रेट होता है। ओके ओके। और ये जो प्लेको अभी फिलहाल अभी इधर है जो तीन दिख रहे हैं मेरे को बड़े साइज के, बड़े साइज के तीन प्लेको, इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये प्राइस सेलिंग के लिए नहीं, नहीं अच्छा आपका टैंक, मेरे टैंक भी देखे बड़े हो गए। ओके ओके। तो वैसे पर स्मॉल साइज के मिलते हैं ना ब्लैक, स्मॉल साइज के ब्लैक आते हैं अपने पास में 60 रुपीज का पेयर होता है उसका। ओके ओके। और अगर व्हाइट कलर में आता है तो अल्बिनो 100। ओके। और एल सीरीज में भी आते हैं ना एक्सोटिक, में भी ब्लैकोज आपको मिल जाएगा ऑर्डर करके, कस्टमर का कुछ ऑर्डर है रिक्वायरमेंट है तो वो सब अरेंज करके उनको मिल दिया जाएगा। ओके ओके। और नीचे कुछ मैं आपको दिखाता हूँ पॉट वाइज, आपको यहाँ पे लो टेक प्लांट्स भी मिलेंगे। तो ये कौन से प्लांट्स है? ये हाइग्रोफिला कोरेम्बोसा प्लांट है। ओके। लोटेक प्लांट है ऑलमोस्ट, अभी यहाँ पे जो जितने प्लांट्स है उसमें एक तो हाईटेक वाला है, बाकी सब लोटेक प्लांट्स ही है। ओके। और ये है क्रिस्पस हेल्फेरी जो ग्रास की तरह दिखता है, या ये एक अच्छा नया वैरायटी है। उसके बाद में इसके बाजू में है अल्टरनेत्रा रेनिकी जिसको रेड मिंट कहते हैं। हाँ हाँ। उसके बाजू में है हाइग्रोफिला डिफॉर्मेसिस, एक्वारोस जिसको कॉमन नेम उसका एक्वारोस है। तो ये भी एक लो टैंक के लिए बेस्ट प्लांट है, मतलब आप कुछ फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट प्लांट है। ओके। ये ग्रो होएगा? हाँ ये अच्छे से ग्रो होता है। ड्रिफ्ट फूड पे लगा सकते हैं या स्टोन? नहीं पे? ये सॉइल फिर आप डायरेक्टली ऐसे पॉट में भी रख सकते हैं तो भी कोई इशू नहीं आता है। ओके ओके। और ये इसके बाजू में जो प्लांट है जो मेरे डिस्प्ले टैंक में रखा हुआ रेड जो है, ये है लुडविगिया इनक्लिनाटा। ओके। तो ये जब भी आता है तभी हल्का ग्रीन होता है, उसके बाद में ऑरेंज टर्न होके बाद में वो रेड कन्वर्ट हो जाता है पूरा। ओके ओके। और ये है रोटाला वैलेशी जिसको मैंने फॉक्सटेल किया बोला, तो ये जो स्टार्टिंग में आता है ग्रीन आता है। हाँ। और ये भी बाद में टर्न रेड हो जाता है। ओके ओके। और इसके बाजू में जो है ये लुडविगिया ओवालिस है, तो ये इसका कलर ऐसे ही रहेगा, इसका खाली लीफ डार्क रेड है नीचे से थोड़ा सा। ओके। रेड हो जाएगा वो, टॉप उसका ग्रीन रहेगा, ग्रीन रहेगा। और ये है डीडीपिल्स डिएंड्रा। ओके। और इसका जो अभी स्मॉल लीव्स दिख रहे हैं। हाँ। ये आप टैंक में जब प्लांट करके पूरा सेट हो जाएगा तो ये थोड़ा सा इसका नैरो होके थोड़ा लंबा लंबा लीव्स हो जाता है। अच्छा, लंबा लीव्स हो जाएगा। ओके। यस। तो ऐसे ही एक रेंज, स्टार्टिंग रेंज क्या रहेगा पॉट वाइज के लिए? पॉट का सभी पॉट्स का एक ही रेट है 75 रुपीज ईच। ओके ओके। अगर कोई होलसेलर कस्टमर है दूसरा शॉपकीपर जिसको क्वांटिटी में लेना तो उनके लिए अलग रेट से मिल जाएगा अवेलेबल करके। अच्छा। तो और एवरी थर्सडे हमारे यहाँ स्टॉक आता है, न्यू प्लांट्स आते रहते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बहुत से लो टेक प्लांट्स भी मिलेंगे और रीजनेबल रेट है, तो आप जरूर आप एक बार विजिट करके देखें। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको टैंक्स सेटअप्स दिखाए थे और वो उनका डिस्प्ले टैंक था वो मैंने आपको दिखाया था, और भी इधर टैंक सेटअप्स है ये देखिए। तो ये पूरा एक सेक्शन है यहाँ पे और एक फ्रंट सेक्शन है यहाँ पे, इसमें भी बहुत से फिश स्टॉक्स है और प्लांट्स भी है और एक ये साइड में भी है। तो ये तीन और सेक्शन में आपको दिखाऊंगा और इसके बाद हम लोग ब्रीडिंग स्टॉक दिखाएंगे जो अपर सेक्शन में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैपनीज कोइज है और मिल्की व्हाइट कोइज है। टैंक का साइज है जो कितना रहेगा? ये 5 फीट का टैंक है। ओके। 5 फीट है उसका हाइट, जो 15 इंचेस है। ओके। मिल्की व्हाइट जो है ये अराउंड 14 इंचेस का है। 14 इंचेस है। ओके, और ओके। जो बाकी के जो है ये 10 इंचेस के कोइज। ओके। तो ये जो कोइज है जैपनीज कोइज, इनका कैसा प्राइस रेंज? जैपनीज कोइज आपको आएगा 1500 का पेयर। ओके। ओके। और एक ब्यूटीफुल जो सिंगल मिल्की व्हाइट है ये आपको 1000 रुपीज का सिंगल आएगा। 1000 रुपीज का सिंगल आएगा। और भी ऐसे स्टॉक्स आते रहेंगे? स्टॉक्स आते रहते हैं कोइज में, मेरे पास में बहुत सारा आता है। अगर कस्टमर को कुछ स्पेशल ऑर्डर करके चाहिए तो वो भी अरेंज करके मिलेगा। हाँ। खास करके जिनका बड़ा टैंक और पॉन्ड के लिए जिनको चाहिए। हाँ, पॉन्ड में भी ये बहुत अच्छे दिखते हैं। पॉन्ड में जैपनीज कोइज बहुत अच्छा दिखता है। पर आप जब भी यहाँ पे आओगे तो सबके प्राइस टैग्स लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएट होएगा या अलग अलग बताएंगे, राइट? यहाँ पे सब फिशेस के मोस्टली प्राइस लगे हुए हैं राइट? और ऑलमोस्ट सब टैंक्स में वैसा है। तो फ्रेंड्स ये एक टैंक है जिसमें कॉपर टेट्रास है और ब्लू नियॉन गोबीज है और इसमें कुछ प्लांट्स भी है, राइट? हाँ, ये प्लांट जो है रोटाला मैक्रेंडा मिनी बटरफ्लाई। ओके ओके। ये लो टेक में भी आता है, हाई टेक में भी आप रख सकते हो। ओके ओके। और ये जो ब्लू नियॉन गोबीज है ये क्या एलिगेटर्स है? एलिगेटर्स है, ये एलगी खाता है, बॉटम फीडर है। ओके। और इसमें और दो कलर आता है, एक रेड पपुआ गोभी आता है और सेकंड आता है ऑरेंज पपुआ गोभी। ओके। वो स्टॉक कभी कभी अवेलेबल जो कलर रहता है वो अपने पास आपको मिल जाएगा।
ओके okay. और कॉपर टेट्रा जो है ये आपको 60 रुपीज का पेयर आता है okay. और 300 का वन डजन ओके ओके तो फ्रेंड्स ये अराउंड अभी 1 से 1.5 इंच के साइज में है और जो ब्लू नियॉन गोभी है वो अराउंड 2 इंच रहेगा राइट हाँ 2 इंच का है yeah. इसका 350 का पेयर आता है ओके okay, ओके okay. और ये एक टैंक है जिसमें अल्बिनो टाइगर बार्ब्स है वेल टेल और इसमें ब्रिलियंट रमिनोस भी है ये देखिए और कॉन्गो टेट्राज है राइट राइट कॉन्गो टेट्रा तो ये जो अल्बिनो टाइगर बार्ब्स है ये अराउंड 1.25 इंच के है या 1.5 इंच बोल सकते हो तो इनका कैसा है प्राइस रेट अल्बिनो टाइगर वेल्टेल टाइगर बार्ब का आपको 200 का पेयर आता है ओके ब्रिलियंट रमिनोस का आपको आएगा 150 का पेयर 150 पेयर ओके और कॉन्गो टेट्रा आपको आता है 350 रुपीज का पेयर ओके तो ये कॉन्गो टेट्राज है वो अराउंड अभी रहेंगे 2 से 2.5 इंच के बीच में तो फिश स्टॉक भी इनके पास हमेशा वीकली आते रहते हैं तो जो स्टॉक आपने आज नहीं देखा होगा वो भी बाद में आएगा एक्सोटिक फिशेस भी आते रहते हैं और इसमें जो प्लांट है ये है लुडविगिया रिपेंस रुबिन ओके तो ये सब प्लांट्स भी वही रेंज से स्टार्ट होते हैं सेम सेम आपको जो भी प्लांट्स है मेरे पास में आपको सेम मिलेगा जो पॉट में हाँ. जो एनोबियस और जावा फन ऐसा कुछ अलग वैरायटी अगर आता है तो हाँ. उसका थोड़ा ज्यादा अलग ज्यादा और सब वैरायटी के हिसाब से उसका रेट होता है और कोई अगर स्पेसिफिक प्लांट्स चाहिए तो भी प्लांट्स चाहिए तो भी ऑर्डर कर सकते हैं उनको स्टेम्स चाहिए तो स्टेम्स में भी मिल जाएगा पॉट चाहिए पॉट में भी मिल जाएगा ओके अगर स्टेम में लेना है तो उनको मिनिमम क्वांटिटी जो रहता है लिस्ट में वो परचेस करना पड़ेगा ओके ओके और फ्रेंड्स इसमें सब प्लांट्स है तो फ्रेंड्स ये रेड कोरल पेंसिल्स है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल इसका फिन्स में आप देख सकते हो कलरेशन ऑरेंज ही आया हुआ है तो इसका कैसा है प्राइस रेट कोरल पेंसिल आपको आएगा 200 का पेयर ओके बोलिवियन रैम का आपको आएगा 350 रुपीज का पेयर और okay. इसमें वैरायटी है वो अभी छूट गया है पैंडा गारा है इसमें ओके okay, ओके okay. वो एलिगेटर्स में आता है पैंडा गारा वो आपको आता है 500 का पेयर okay. पैंडा गारा का और ये बोलिवियन रैम है इनका साइज कितना तक जाएगा मैक्स ये मैक्स टू मैक्स मतलब बड़ा 3 से 4 इंच का तो हो जाता है ओके okay, अभी okay. मेरे पास में भी कभी कभी बिग साइज का आता है जो 2.5 इंच प्लस रहता है बॉडी साइज हाँ. जो आपने मेरे डिस्प्ले टैंक में देखा yeah. और ये रेगुलर रनिंग साइज में आपको स्मॉल वाला मिल जाएगा जो 350 का पेयर है ओके okay, और ये पांडा का है यहाँ पे ये एलिगेटर है और इनका कैसा प्राइस रहे 500 का पेयर आता है ओके ओके तो ये भी साइज बढ़ जाता है ना आज का भी साइज अच्छा बड़ा हो जाता है बेस्ट एलिगेटर है या तो प्लांटेड टैंक्स के लिए ये बेस्ट एलिगेटर है और ड्रिफ्टवुड ये कौन सा है इसमें ये नॉर्मल ड्रिफ्टवुड है ड्रिफ्टवुड आपको जो भी टैंक्स में दिखेगा उसका 1200 रुपीज केजी का रेट है ओके ओके जो भी उसका वेट आएगा वेइंग स्केल पे वो हिसाब से उसका रेट है और ये प्रॉपर सेट किया हुआ है आपको जाके डायरेक्टली टैंक में रखना है इसपे कुछ व्हाइट फंगस नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा पानी भी येलो नहीं करेगा ओके ओके ये डायरेक्टली आप टैंक में सेट कर सकते हो ओके और इधर भी कुछ अलग अलग प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे ये यहाँ पे जो प्लांट्स है ये एक्चुअली हमने कुछ नया ट्राई किया है ग्लास पॉट में सॉइल के साथ में लगाए हुए या ये देखिए तो ये हम लोग का थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट चालू है अगर ये सक्सेस होता है तो हम लोग ये साथ पूरा ये सेल करने का ट्राई करेंगे ओके ओके और फ्रेंड्स यहाँ पे नियॉन रेनबोज है और ग्रीन टाइगर बार्ब्स है तो फ्रेंड्स ये नियॉन रेनबोज है यहाँ पे और ग्रीन टाइगर बार्ब्स है और रमिनोस टेट्रा है यहाँ पे रमिनोस ये एल साइज वाला है ये आपको 120 का पेयर आएगा ओके या और ये नियॉन रेनबो रेनबो है नियॉन रेनबो का आपको एक्सेल साइज है तो ये 150 का पेयर है ओके स्मॉल साइज वाला आपको 80 रुपीज का पेयर आता है ओके और ग्रीन टाइगर बार्ब आपको आएगा ओनली 100 रुपीज पेयर ओके 100 रुपीज पेयर राइट और ये कौन से प्लांट है इसमें जो प्लांट है ये है पोगोस्टेमन ऑक्टोपस ओके ओके और इस टैंक में नियॉन टेट्रास है नियॉन टेट्रा आपको आएगा 60 रुपीज का पेयर ओके और 300 रुपीज डजन ओके नियॉन के साथ में हमारे पास में कार्डिनल टेट्रास भी आता है कार्डिनल में अल्बिनो कार्डिनल भी आता है नियॉन में भी अल्बिनो नियॉन टेट्रास आता है ओके ओके तो ये जब ये एक्सोटिक का जब स्टॉक आता है तो लिमिटेड ही आता है तो ये फटाफट सेल हो जाता है या और ये कौन सा प्लांट है ये प्लांट है हाइग्रोफिला डिफॉर्मेसिस एक्वारोस ये भी बहुत बड़ा साइज है ये बिग साइज हो गया है या फ्रेंड्स और भी यहाँ पे नीचे फिश स्टॉक है तो वो हम देखते हैं
तो ईस्ट टैंक में वेल्टेल चेरी बाब्स है। राइट, ये वेल्टेल चेरी बाब आपको आएगा 80 रुपीस का पेयर। ओके, 80 रुपीस का पेयर, 80 रुपीस पेयर और 400 का डजन। ओके ओके, और इसमें ये प्लांट्स है, ये कौन से? इसमें जाइंट सेगेटेरिया ग्रास है, जिसका बड़ा हाइट का टैंक है, बैकग्राउंड जिनको कवर करना है ग्रास से, तो ये वो टैंक के लिए बेस्ट प्लांट्स साबित हो जाएगा। या आप उसमें लगा सकते हो, और ये चैन सिस्टम से बढ़ते रहते हैं, और जितना आपका प्लांट का हाइट रहेगा उतना हाइट पे बढ़ते रहेगा। ओके ओके, और एक गोल्डन एलिगेटर भी है यहाँ पे। गोल्डन एलिगेटर हमने ऑलमोस्ट सब टैंक में एक एक डाल के रखे। ओके ओके, टैंक्स पे ग्लासेस क्लीन रहे। ओके ओके, वो हिसाब से। और इस टैंक में ब्लैक गप्पी है, ये जो ब्लैक गप्पी है ये हमारा ओन प्रोडक्शन है। ओके ओके, मेरे पास ही ब्रीड हुआ है। अच्छा, मेल फीमेल आपको दोनों मिल जाएंगे इसमें। ओके, और ये आपको आएगा 150 रुपीस का पैर। ओके, 150 का पैर है। राइट, और डजन लेना है तो 750 का डजन आ जाएगा। ओके, 750 का डजन। डजन, राइट। और इस टैंक में ये टैंक में आप गोल्ड टेट्रास देखेंगे, ये भी अराउंड 1.5 इंच के साइज में। राइट, और ये जो है ये आप प्लांटेड टैंक में डालोगे, एक्चुअली ब्लैक बैकग्राउंड के टैंक्स नहीं थे, ब्लैक बैकग्राउंड में ये और कलर शो करते हैं, कलर है। तो ये अराउंड क्या रेंज में? ये 150 का पैर है। ओके, 150 का पैर है। और इधर एक गोल्डन पैन चेक्स है, गोल्डन पैन चेक्स है, एक ही बचा है। ये आपको अराउंड आता है 150 का पैर, अगर बड़ा साइज है। स्मॉल साइज में आपको 80-100 के बीच में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कूली लोचस है और ब्लू स्टारलेट बडीज, या तो ये भी अराउंड 1 इंच के थोड़े बड़े हैं, और ये थोड़े एग्रेसिव होते हैं? नहीं, ये ऑलमोस्ट सबके साथ में रह जाते हैं। ओके, आप जो भी फिशेस मेरे पास में है हमारे डिस्प्ले टैंक में आपको दिख जाएंगे, जो कम्युनिटी में साथ में रहते हैं। ओके ओके, और कूली लोचस क्या रेंज है? आपको आएगा 120 का पैर। ओके, 120 का पैर, ओके। और ये ब्लू बडीज जो है, ब्लू स्टारलेट बडीज, ये आपको आएगा 100 रुपीज का पैर। ओके ओके, और इस टैंक में कुछ एंजल्स है? हाँ, इसमें मार्बल एंजल्स और ये अपने गोल्डन प्लेटिनम एंजल जो आते हैं वो है। ओके, और ये भी ये मेरे पास ब्रीड हुआ है, वही पैर के बेबीज है। ओके, और ये आपको आएगा ओनली 40 रुपीज का पैर। ओके ओके, तो साइज अराउंड ये 2 इंच के है। 2 इंच है, राइट। तो फ्रेंड्स, इसमें रेड रोजी बाब्स है, तो फिलहाल अभी दो ही पैर स्टॉक में है, तो इनका भी एक अच्छा कलरेशन है। ये देखिए, ये स्टॉक में आते रहता है, ये आपको 50 रुपीस का पैर है। ओके ओके, और ये अभी स्टॉक इसका 2-3 दिन में अपडेट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, इस टैंक में पिंक विडोज है, जो अराउंड 2 इंच के आसपास है, जंबो साइज के विडो टेट्रास है। ये 200 रुपीस का पैर आता है। ओके, इसमें स्मॉल साइज भी है, बहुत सारे कलर्स के है। या, तो वो भी आपको दूसरे टैंक में दिख जाएंगे। और इस टैंक में सिकलेट्स है, बनाना सिकलेट्स है, और ये रेड आई स्ट्रॉबेरीज है। या, ये आपको आएगा 300 रुपीस का पैर आता है। इसमें काफी सारे कलर्स आते हैं, कस्टमर को अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो उनको मैं अवेलेबल करके दे सकता हूँ, इसका पूरा लिस्ट है अपने पास में। ओके ओके, जो भी चाहिए मिल जाएगा। ओके, और ये अराउंड अभी 3 इंच के साइज में है। 3 इंच साइज है, राइट। और यहाँ पे स्मॉल साइज के सिकलेट्स है, रेगुलर मॉर्स सिकलेट जो आता है। yeah. वो है, ये अराउंड 2.5 इंच के, ये 80 रुपीज का पेयर आएगा। ओके, और इसमें रेनबो शार्क है, रेनबो शार्क आपको 100 रुपीज का पेयर आता है। ओके ओके, तो रेनबो शार्क भी अराउंड अभी ये बोल सकते 2-3 इंच के बीच में है। ये कौन से फिशेस है? गटरूर रेनबो। ओके, तो ये भी प्लांटेशन में रख सकते हो, राइट? हाँ, प्लांटेशन के फिशेस है। तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये आपको आएगा 200 रुपीस का पैर। ओके, 200 का पैर हो गया, राइट। और इसमें ये प्लांट्स कौन से? ये है अल्टरनेत्रा रेनिकी ऑक्यूपस। ओके, फुल यही मरुनिश रेड कलर, मरुनिश रेड कलर का, राइट। और इसमें भी सेम प्लांट्स है, राइट? हाँ, ये भी सेम प्लांट्स है। इसमें जो फिशेस है वो है पास्काई रेड रेनबोस। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है पूरा, तो ये भी अच्छा कलरेशन है, कलरेशन है। ये बिग साइज में इसका रेट जो है ये 250 रुपीज का पेयर है। ओके ओके, ये आई जो है इनका आग के ऊपर ब्लू कलर का लाइट है जैसे। या, तो फ्रेंड्स, इसमें ट्रेडफिन रेनबोस है, ये देखिए। तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये 200 रुपीज का पेयर है, थ्रेड की रेंज। ओके, और इसमें भी मेल फीमेल पता चलेगा? हाँ, मेल फीमेल पता चलता है, मेल्स ऑलमोस्ट, मेल को ज्यादा करके, और इसमें ये टैंक में ऑलमोस्ट मेल्स ही है। ओके ओके, मेल ही बड़े पिंस वाले आते हैं। या,
और ये प्लांट है लिम्नोफिला सेसिफ्लोरा, इसको ऑलमोस्ट आप बिगिनर्स प्लांट बोल सकते हो, जिनका लो टेक सेटअप है, जो नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट प्लांट साबित होता है। ओके ये चार वराइटीज के एंडलर्स है, इसमें येलो टक्सीडो है टाइगर एंडलर, उसके बाद में ब्लू एंडलर और रेड एंडलर, और एक एंडलर का वराइटी है ये जो आप देख रहे हो, ये शाइनी वाला, ये हमने रेड एंडलर का और अपना दूसरा कोबरा गप्पी आता है उसका क्रॉस करके हमने स्ट्रेन बनाया है, ट्राई किया है, तो ये अपने पास का ही है। ये ब्यूटीफुल कलर, एंडलर जैसा ही है, छोटा रहता है, लेकिन टेल इसका आप देख सकते हो नॉर्मल गप्पी से, एंडलर से बड़ा है। ये येलो टक्सीडो एंडलर है। तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये 150 का पेयर है, ये सब एक्सोटिक है, इम्पोर्टेड स्टॉक वाला है। ओके। और इसमें और बहुत सारे कलर आते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। ओके। तो इसमें रेड टक्सीडो शॉर्ट टेल है, राइट? हाँ, रेड टक्सीडो शॉर्ट टेल, ये भी अपने पास ही ब्रीड हुआ है। ओके। ये बेबीज है, ये आपको 40 रुपीज का पेयर आता है। अच्छा, और ये प्लांट? ये प्लांट है लुडविगिया इंक्लिनाटा। ओके। तो फ्रेंड्स, बहुत से प्लांट्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे लोटेक के, ऑलमोस्ट सब टैंक्स में है इनके, और टैंक्स भी आप देख सकते हो कितने क्लीन और मेंटेन है। तो इनका प्राइस रेंज कैसा है? ये 150 रुपीज का पेयर आता है। ओके। और ये प्लांट्स कौन सा है इसमें? ये प्लांट है लुडविगिया ओवालिस। तो फ्रेंड्स, ये कैटफिश का वराइटीज है इसमें, फिलहाल इसमें एक ड्रिफ्टवुड रखा है, और इसमें थाईलैंड ग्लास कैटफिश है, फेदर फिन कैटफिश है, और चॉकलेट टॉकिंग कैटफिश है। तो ये देखिए, ये चॉकलेट टॉकिंग कैटफिश है। अच्छा, तो ये अराउंड अभी 2 इंचेस का है, राइट? और ये इनको भी हाइडिंग स्पेस लगता है, हाइडिंग स्पेस लगता है, तो और ये कम्युनिटी में भी रह जाते हैं, मैंने अपने डिस्प्ले टैंक में डाले हुए। ओके। ये आप कम्युनिटी टैंक में रख सकते हो। ओके। ये ग्लास कैटफिश है, ये आपको आता है 250 रुपीज का पेयर। ओके। और टॉकिंग कैटफिश 400 का पेयर आता है, और ये जो फेदर फिन कैटफिश आप देख रहे हो, ये आपको 300 का पेयर आता है। ओके, 300 का पेयर, राइट? तो ये फेदर फिन कैटफिशेस का भी अच्छा स्टॉक है इनके पास, ये देखिए। और ये सब साइज में अराउंड 2 इंचेस है, कुछ थोड़े बड़े भी है साइज में। और इस टैंक में माउंटेन मिनोज है और ग्रीन कॉरिडोरस है, राइट? तो कॉरिडोरस में मेरे को लगता है ये ग्रीन कॉरिडोरस सबसे ज्यादा साइज में बढ़ जाते हैं, राइट? बराबर, ये ग्रीन कॉरिडोरा या इसको ब्रॉन्ज कॉरिडोरा भी कहते हैं। ओके, कॉमन नेम ग्रीन कॉरिडोरा है। ये 2 इंचेस प्लस जाएगा, राइट? राइट 2 इंचेस प्लस होता है इसका, 80 रुपीज का पेयर आता है। ओके। और जो माउंटेन मीनोज है, माउंटेन मीनो आपको 60 रुपीज का पेयर, 300 का डजन आता है। माउंटेन मीनो में एक्चुअली दो कलर आते हैं, एक ये ब्लैक आता है, एक अल्बिनो, वाइट अल्बिनो, अल्बिनो माउंटेन मीनो आता है। या। तो ये दो कलर आते हैं इसमें। और ये एक टैंक है जिसमें सिमिलर टाइप्स के प्लांट्स भी दिख रहे हैं, तो ये कौन से प्लांट्स है? ये प्लांट है हाइग्रोफिला पॉलीस्पर्मा वेरीगेटेड, इसको रोजा विंग भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से देखो इसके लीव्स पे स्ट्राइप्स है, ये वेरीगेटेड कहते हैं। अगर इसको आप प्रॉपरली आरजीबी लाइट में रखेंगे तो ये उसके ऊपर के टॉप्स जो आप दिख रहे हो, हाँ, ये पिंक कलर के हो गए, पिंकिश हो जाते हैं, राइट? तो इनको भी कुछ ड्रिफ्टवुड्स पे लगा सकते हैं या सॉइल में? ये प्रॉपर सॉइल में, ये फोर ग्राउंड प्लांट है। आप आगे की साइड में आपको अगर भूसी दिखाना है कुछ, तो ये बेस्ट प्लांट है उसके लिए। ओके। और इसमें भी ब्लैक नियॉन टेट्रा? हाँ, ये नॉर्मल अपने ऑर्डिनरी ब्लैक नियॉन टेट्रास है, ये आपको 60 रुपीज का पेयर आता है। अच्छा, और इसमें और एक वैरायटी है तो ग्लो लाइट चाहिए, ये ग्लो लाइट टेट्रा है। ग्लो लाइट में भी अपने पास में ये बड़ा साइज का 60 का पेयर है। ओके। इसमें अल्बिनो ग्लो लाइट भी आता है हमारे पास। ओके। और ये रोजी टेट्रा है? रोजी टेट्रा, राइट? तो ये भी बड़े साइज में, 1.5 इंच के साइज में, और इसमें कुछ गोल्डन एलिगेटर्स है यहाँ पे, ये देखिए। तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? रोजी टेट्रा आपको आएगा 80 रुपीज का पेयर। ओके, 80 रुपीज का, राइट? तो प्लांटेशन टैंक में और कलर एनहांस होता है, और ये इसके लिए हमने सब टैंक में ऑलवेज प्लांट रखे हुए ताकि फिश का नेचुरल कलर है यहाँ पे वो शो करे। हाँ, तो फ्रेंड्स, इसमें स्मॉल साइज के नियॉन रेनबोज है, ये देखिए, और अल्बिनो प्रिस्टेला है यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट पूरा ट्रांसपेरेंट जैसा फिश है, और ये अराउंड रहेंगे 1 इंचेस से लेके 1.5 इंच के बीच में। तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? अल्बिनो प्रिस्टेला आपको आता है 80 रुपीज का पेयर। ओके, 80 रुपीज का पेयर, राइट? 80 रुपीज का पेयर आता है, और नियॉन रेनबो स्मॉल साइज वाला भी 80 रुपीज का ही पेयर है। तो फ्रेंड्स, इसमें सर्पी टेट्रास है, और ये अराउंड 1.5 इंच के रहेंगे, और इनका कलरेशन भी आप देख सकते हो,
तो ये क्या रेंज में है? ये आपको आता है 40 रुपीज का पेयर। ओके 40 रुपीज का पेयर। इनमें भी वेल्टेल आते हैं, वेल्टेल भी आता है, वेल्टेल का स्टॉक बहुत रेयरली आता है, लेकिन जब भी वेल्टेल इससे ज्यादा दिखने में खूबसूरत दिखते हैं। या या। और इसमें कौन से प्लांट्स हैं? ये लुडविगिया रिपेंस रुबिन। ओके ओके। और ये स्मॉल साइज के प्लांट्स जो हमने देखे थे पहले, ये जो आपने ये जो देखा वो जाइंट सेकेटरी था, ये वाला है वेलेसनेरी नाना। ओके ओके। ये भी रनिंग सिस्टम से बढ़ते रहते हैं, अच्छा ग्रोथ हुआ है पॉट में भी इसको। आप देख सकते हो। या तो फ्रेंड्स, इसमें सियामीज एलिगेटर्स है जो अराउंड 1.5 इंच से लेके 2 इंच के बीच में है। तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये 120 का पेयर आता है। सियामीज एलिगेटर और गोल्डन एलिगेटर सेम रेंज है, 120 का पेयर। ओके ओके। तो इनका भी साइज अच्छा बढ़ जाता है, साइज अच्छा बढ़ते हैं। और ये जो प्लांटेड टैंक्स में मोस्टली थ्रेड एल्गी जो आता है, ये उसको खाने का काम करते हैं। ओके ओके। फ्रेंड्स, ये एक अभी और एक सेक्शन है यहाँ पे फिश टॉक का, मीडियम साइज के वीडियोस है जो अराउंड रहेंगे 1 इंचेस के। इसमें पिंक है, पर्पल है, ग्रीन है, येलो है, और ये सब आपको आएगा 100 रुपीज पेयर। ओके 100 रुपीज पेयर। ओके, कोई भी कलर सेम रेट है सब। ओके ओके। और ये कौन से प्लांट है इसमें? ये जो प्लांट है ये हाइग्रोफिला कोरिम्बोस है। ओके, इसके रूट्स भी आप देख सकते हैं। और ये एक बड़ा सा ड्रिप फूड है यहाँ पे, तो ड्रिप फूड के भी आपको जैसे चाहिए वो साइजेस मिलेंगे। तो कोई भी हॉबीस्ट को अगर ये ड्रिप फूड आपको पसंद आते हैं तो ये टैंक्स में से भी आप परचेज कर सकते हो। और ये एक छोटा सा प्लांट है, ये कौन से प्लांट? ये जो आपको मैंने प्लांट की टैंक में दिखा है रोटाला वेलेची, जो बाद में रेड हो जाता है, तो आप देख सकते हो ये रेड होना इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये टैंक में आरजीबी लाइट लगा हुआ है। तो ये जो आप लाइट अच्छा प्रोवाइड करोगे उतना जल्दी प्लांट अपना कलर शो करना शुरू कर देगा। ओके ओके। और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा ड्रिफ्ट फूड है, देखिए आप, और बोस्मानी रेनबो है इसमें। ये बिग साइज के बोस्मानी रेनबो है, देखो आप ब्यूटीफुल कलर शो कर रहे हैं। मेल फीमेल दोनों को कलर्स है, ये अराउंड में है रहेंगे 2 से 2.5 इंचेस के साइज में। राइट, बराबर। और ये आपको आएगा 500 रुपीज का पेयर। ओके ओके। तो इसमें हिल स्ट्रीम लोच है, ये देखिए। और दूसरे कौन से फिशेस है? स्कारलेट बडीज, रेड बडीज। ओके ओके, जो है। और इसमें और एक वैरायटी है बम्बल बी गोभी। तो ये देखिए स्कारलेट बडीज का कलर रेडिश कलर है, राइट राइट। और इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये 80 रुपीज का पेयर है। ओके ओके। और ये देखिए बम्बल बी गोभी, बम्बल बी गोभी आपको आता है 100 रुपीज का पेयर। ओके ओके। और ये हिल स्ट्रीम लोच है 600 रुपीज का पेयर है। 600 रुपीज का पेयर है। ओके, तो ये भी एक अच्छे एलिगेटर है, राइट। हाँ, ये बहुत अच्छा एलिगेटर है, ग्लास भी क्लीन कर दे जैसे काम कर दे, लेकिन प्लांटेशन के लिए बेस्ट है, ग्लास क्लीनिंग का पर्पस के लिए। ओके। और इस टैंक में हनी गुरामी है, हनी गुरामी है, इंपोर्टेड रेड हनी गुरामी। ये आपको आता है 350 रुपीज का पेयर। और एक वरायटी इसमें बटरफ्लाई कॉरिडोरा, ये बहुत ही यूनिक लग रहा है, यूनिक वरायटी है कॉरिडोरा का। या और ये आपको कहीं ज्यादा देखने नहीं मिलेगा, ये देखिए। और ये अराउंड अभी 1 इंचेस से थोड़े बड़े है। और ये आपको 200 रुपीज का पेयर आता है इसका। ओके ओके। तो इसमें अभी स्टोन कैटफिश है यहाँ पे है, और ये देखिए यहाँ पे भी है। इनका कलर ऐसा रहता है पूरा बॉडी स्ट्रक्चर की आपको पता नहीं चलेगा कि बैठा हुआ है। ये देखिए अभी ये ड्रिप फूड में है। तो इनका कैसा प्राइस रेंज है? स्टोन कैटफिश 80 रुपीज का पेयर है। ओके ओके। तो ये एलिगेटर है या नॉर्मल बॉटम फीडर? अच्छा, बॉटम फीडर। बॉटम फीडर ये आपके टैंक में बॉटम में ही रहेगा, जो लेफ्ट ओवर फूड जो सिंक हो जाता है। हाँ हाँ। तो ये सब उस पे खा जाते हैं। ओके। और ये कौन से फिश है? स्लेम टेट्रास है। स्लेम टेट्रास है। ओके। स्लेम टेट्रास का कैसा है प्राइस? टेट्रा 80 रुपीज पे है। और स्टोन कैटफिश भी? स्टोन कैटफिश भी। और इसमें और एक वरायटी है ग्लास ब्लड फिन टेट्रा। हाँ, ग्लास ब्लड फिन टेट्रा भी आपको 80 रुपीज का पेयर आता है। ओके ओके। तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, खाली इसका टेल जो है रेड कलर का वो हाइलाइटर है। ओके ओके। और फ्रेंड्स, इधर एक एक्सोटिक फिशेस है, विपटेल है, राइट। हाँ, विपटेल। विपटेल में अपने पास 2 कलर्स है। ओके। अभी आप जो सामने दिख रहे हैं ये रेड विपटेल है। या इसको अब दूसरा एक नाम है रेड लिजर्ड विपटेल। ओके ओके। ये रेड विपटेल को रेड लिजर्ड कहते हैं। और ये जो स्टिक दिख रहा है ये हमने एल्गी स्टिक डाला था उसमें। ओके ओके। आपको मेरे पास में मिल जाएगा जो जो जिनको एल्गी लगता है खाने के लिए। हाँ। तो ये स्पिरुलिना स्टिक्स आता है। ओके। तो ये रॉयल विपटेल है। ओके। और ये थोड़ा बड़ा साइज में, और ये बड़ा होने के बाद में और इसका टेल जो है लॉन्ग हो जाता है, गोल्डन कलर आता है बॉडी में। हाँ। प्लांटेशन टैंक में बहुत अच्छा फिश है ये।
तो फ्रेंड्स ये देखिए स्पिरुलिना स्टिक पे है दोनों, ये पूरा ऑलमोस्ट ये स्टिक उन्होंने क्लियर किया है, खत्म कर दिए, क्लियर कर दिए। ओके, तो ये श्रिम्प्स के लिए भी यूज कर सकते हैं? हाँ, स्पिरुलिना स्टिक श्रिम्प्स के लिए बेस्ट फूड होता है। ओके ओके, आपको अगर टैंक में श्रिम्प्स कहीं नहीं दिख रहा, अभी ये स्टिक डाल दोगे, हाँ सब आ जाएंगे, पूरा श्रिम्प्स आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो ये इनका प्राइस रेंज कैसा है? रॉयल विप्टेल जो है बड़ा साइज का, उसका 900 का पेयर है। ओके, और रेड लिजर्ड विप्टेल आपको आएगा 700 का पेयर। ओके, तो ये अराउंड सब 2 inches के है, ये जो रॉयल वाला थोड़ा सा 2.5 के अराउंड है। हाँ हाँ, तो ये रॉयल वाले देखिए आप, 2 inches थोड़े से प्लस साइज है ये, और ये अराउंड 2 inches के साइज है। तो फ्रेंड्स इस टैंक में अल्बिनो टाइगर बाग्स है जो अराउंड 2 inches के, और कुछ प्लांट्स भी है इसमें। तो इसका कैसा है प्राइस रेंज? 80 rupees का पेयर आएगा अल्बिनो टाइगर बाग। ओके ओके, और ये प्लांट्स कौन से इसमें? ये वही लेमनोफिला सेसिफ्लोर है। ओके, ये है अमानिया एसपी मिनी बोनसाई है, और इस टैंक में कोलंबियन टेट्रा है, तो ये भी बहुत अच्छा कलरेशन आता है इनका टेल्स और फिन्स पे, और हॉकी स्टिक है राइट? हाँ हॉकी स्टिक है बड़ा साइज में। तो इनका कैसा है प्राइस? कोलंबियन टेट्रा आपको आता है 150 to 200 के बीच में, अभी जो है ये 200 rupees का है क्योंकि बिग साइज में है। ओके, तो ये 200 rupees का पेयर है, और बड़ा साइज का हॉकी स्टिक आपको आता है 100 rupees का पेयर, अगर इसमें रेगुलर साइज आता है स्मॉल हाँ, तो आपको 60 rupees का पेयर मिल जाता है। ओके ओके, और इसमें भी कुछ प्लांट्स हाँ, है ये प्लांट है डीडी पिक्स डीएंड्रा। ओके ओके, तो फ्रेंड्स इसमें रेड टक्सीडो गप्पीज है, और इसमें भी मेल फीमेल मिलेंगे? मेल फीमेल आता है, फीमेल बहुत इसके कम आते हैं, लेकिन मेल्स आपको रेगुलरली मेरे पास मिल जाएंगे। ओके ओके, ये आपको 100 rupees 80 rupees अप डाउन होते रहता है जैसे स्टॉक आता है उसके। ओके ओके, रेट्स इसका हाँ, कुछ गप्पीज ऐसे आते कि जो आपको इक्वल मेल और इक्वल फीमेल ही आता है, मतलब आपको पैर लेना तो मेल फीमेल ही लेना पड़ेगा। या, या, या। आप दो मेल या दो फीमेल नहीं ले सकते हो। और इसमें कौन से प्लांट है? ये है पोगोस्टेमोन ऑक्टोपस। ओके, ग्रास जैसा है ऑलमोस्ट। हाँ, इसका जो लीव्स है लॉन्ग हो जाता है ऑक्टोपस के टेंटिकल जैसा। हाँ हाँ, इसके लिए उसको पोगोस्टेमोन ऑक्टोपस कहते हैं। और यहाँ पे गप्पीज है, ये जंबो साइज के कुछ गप्पीज देख रहा हूं मैं, है मोजाइक गप्पीज है, और उसके बाद में गैलेक्सी कोबरा गप्पीज है। या, तो मैंने जैसे भी बताया था आपको कुछ गप्पीज मेल फीमेल लेना पड़ता है, तो इसमें वैसे पेयर्स है। ओके, तो मेल और फीमेल दोनों अवेलेबल है, दोनों बड़े जंबो साइज में, तो आपको जितना इक्वल मेल्स है तो पेयर मेल फीमेल का पेयर परचेस करना पड़ेगा। ओके ओके, साथ में ये अल्बिनो एएफआर जिसे कहते हैं अल्बिनो फुल रेड गप्पी, या तो वो भी है, और ये आपको 150 rupees का पेयर है, इसमें से कोई भी वैरायटी। ओके, जो कोई भी गप्पी, कोई भी गप्पी है इसमें 150 का साइज, छोटा बड़ा कोई भी हो हाँ, सेम रेट है इसका। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि ये जो जंबो साइज के गप्पी है ये अराउंड 1.5 inches के है साइज में, और उससे थोड़े बड़े भी है, इनमें से कोई भी गप्पी आप लोगे इस टैंक में से, ये सब 150 के पेयर है। फ्रेंड्स इस टैंक में ब्यूटीफुल पर्ल गुरामिद है जो अराउंड 2.5 से 3 inches के है, और इनका कैसा है प्राइस? इनका प्राइस आपको आएगा 300 का पेयर। ओके ओके, तो ये भी आप प्लांटेशन टैंक में रखोगे तो इनका और भी कलरेशन आएगा, तो ये भी सेमी एग्रेसिव फिश है? सेमी एग्रेसिव है, ये आप सभी के साथ नहीं रख सकते हो। ओके, पर्टिकुलर वैरायटीज है। अच्छा, उनके साथ भी ये रहता है। ओके, छोटे टेट्रास वगैरह होंगे तो उनको ये फूंक करके मार डाल देंगे। ओके ओके, और ये मेल फीमेल अगर आप साथ में रखते हो तो ये सीजन के टाइम पे टेरिटोरियल हो जाते हैं। अच्छा, टाइम पे ज्यादा एग्रेसिव। और इस टैंक में मॉलीज है जो अराउंड सब 2 inches और 2.5 inches के साइज में, ब्लैक है इसमें, ऑरेंज है और वाइट भी है, तो कुछ सेल्फिन भी है राइट इसमें? हाँ, सेल्फिन, जब सब सारे मेल्स है जितने वो सेल्फिन थे, सेल्फिन दिखेंगे। ओके, हर कलर में मोस्टली इवनली सब पेयर्स ही है, मेल फीमेल ही आपको मिलेंगे। और इनका कैसा प्राइस है? आपको आएगा 50 rupees का पेयर। ओके ओके, यहाँ पे जावा मॉस भी मिलेंगे, और ये ऐसे पैकेट्स में मिलेंगे राइट? जावा मॉस आता है। ओके, उसके बाद में व्हिपिंग मॉस और सिंगापुर मॉस भी अपने पास में मिल जाएगा। ओके, और साथ में एक और दो वैरायटीज आता है, एक मिनी पीलिया आता है। अच्छा, और एक फन वैरायटी आता है क्रेपिडोमिनिस एसपी। ओके ओके, तो ये वैरायटीज आपको मिल जाएगा, हर इसका अलग अलग रेट है। जावा मॉस जो है ये आपको 150 rupees का पैकेट आता है। ओके ओके, का पूरा ब्रीडिंग का सेक्शन है, तो यहाँ पे भी बहुत से टैंक्स हैं इनके, और ये साइड में भी कुछ ब्रीडिंग के सेक्शन है, तो
यहाँ पे कुछ ब्रीडिंग स्टॉक है एंजल्स का, राइट? हाँ, एंजल के पेयर है यहाँ पे. ओके. जिसमें कुछ बेबीज भी है. या और ये कौन से एंजल्स है? ये स्कार डायमंड एंजल है. ओके. और इनके बेबीज है, आप देख सकते हो यहाँ पे. ये लोग प्लेट्स पे एग्स ले करते, लेकिन ये टाइम पे इन्होंने ग्लास पे ले किया था. ओके ओके. तो मैंने बेबीज उनके साथ में रख दिया. ओके ओके. और इस टैंक में भी एंजल्स है, ब्रीडिंग पेयर है. ये भी स्कार एंजल्स है, राइट? हाँ, ये भी स्कार है. ओके. स्टार डायमंड जिसको कहते हैं. ओके. और ये दो मार्बल एंजल्स के पेयर है. या इसका जो मेल, ये फीमेल ऑर्डिनरी है और मेल वेल्टेल वाला है. ओके ओके. तो ऐसे इनको टैंक्स में रखे हुए हैं फॉर ब्रीडिंग. और ये बड़े साइज में मेल भी अराउंड 5 inches रहेगा, राइट? 5 inches है, राइट. और ये कौन से एंजल्स हैं? ये भी मार्बल एंजल है. ओके ओके. अभी मेरे पास में फिलहाल मार्बल और स्टार के ही है. ओके. ये अपना गोल्डन डायमंड एंजल आता है, लाइक ऑर्डिनरी गोल्डन. ओके. गोल्डन प्लैटिनम. इन्होंने भी ग्लास पे एग्स ले किया, अभी कल ही इन्होंने एग्स ले किया. हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हो, ये देखो. हाँ, तो ये अभी जो लोग ग्लास पे ले करते हैं तो उनको मैं उनमें रखता हूँ. ओके. और ये कौन से एंजल थे? ये भी, ये देखो, ये क्रॉस पेयर सेट हुआ था इनका. Okay. उन्होंने कल कॉमन टैंक में एग्स ले किए थे, तो इनको मैंने साइड में निकल के रखा है. Okay. ये स्कार का फीमेल है और मार्बल का मेल है. ओके okay, ओके. तो ये टोटल 8 ब्रीडिंग पेयर है मेरे. या और ये भी क्रॉस पेयर है. देखो, मार्बल का मेल है और गोल्डन डायमंड की फीमेल है. और इसमें ये स्कार का प्योर स्कार का पेयर है. ओके ओके. तो फ्रेंड्स, ऐसे ये 8 पैर है इनके, एंजल्स का यहाँ पे पूरा है. और कौन से फिशेस ब्रीड हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑस्ट्रेलियन रेनबो से, आप ऊपर से उसको देख सकते हो, ऑस्ट्रेलियन रेनबो के. या बेबीज है यहाँ पे. बेबीज है. उसके बाद में कुछ अभी प्रोसेस में है. ओके ओके. रेनबो है और ये ऑस्ट्रेलियन का और एक बैच प्रोसेस में है. ओके ओके. तो ये हो रहा है अपने पास में. उसके बाद में एंजल्स के बेबीज है. ये एंजल का 2 बैचेस है. ये अच्छा, ये अभी बड़ा टैंक में रखा है. कौन से एंजल रहेंगे ये? ये देखो, इस पे कोड लिख के रखा है B1 B6. तो ये 2 पेयर के बेबीज हमने कंबाइन किए. ओके ओके ओके. जो ये पेयर के फर्स्ट बेबीज है सीजन के, हमने यहाँ पे रखे. अभी ये साइज हो जाएंगे तो ये रेज होके अपनी शॉप में सेल के लिए मिल जाएंगे. ओके ओके. और ये वीडियोस भी है, विडोडेंड्रास है. ओके. ब्रीडिंग पेयर्स है मेरे. ओके. रेनबोस के. ओके ओके. वो अभी यहाँ पे रखा है. अच्छा अच्छा. कुछ एंजल के बड़े पीसेस है. या और ये सब यहाँ पे ही ब्रीड हुआ है. यहाँ पे ब्रीड हुआ है. ओके. नीचे सेल के लिए यही, इसमें से नीचे जाता है, नीचे का खत्म होता है तो ऊपर से नीचे जाते रहते हैं. ओके ओके. ये अराउंड अभी 2 inches के है. 2 inches के, राइट. यहाँ पर कुछ ब्लैक डपीज है जो यहाँ पे ही ब्रीड हुए. राइट, यहाँ पे. तो नीचे कुछ मैंने आपको ब्लैक गप्पीज दिखाए थे, वो सब यहाँ से ही आए हुए. इनका ही स्टॉक है ये, ब्रीडिंग स्टॉक. और ये कौन से गप्पीज है यहाँ पे? ये गप्पी के फीमेल्स है. ओके. रोड हुए, इसमें आप बेबीज भी देख सकते हो. हाँ, कुछ बेबीज है. ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बेबीज है. यहाँ पे टेंजरीन है, राइट? हाँ. ये थोड़ा साइज गेनिंग के लिए इनको यहाँ पे रखा है. ओके ओके. तो जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे, उसके बाद में इनको ब्रीड के लिए हम लोग अलग से करेंगे. ओके ओके. फिलहाल ये भी अभी 2.5 से 3 inches के है. राइट, 2.5 से 3 inches है. तो फ्रेंड्स, ये इनका पूरा ड्राई सेक्शन है, जिसमें आपको बीटा टैंक्स भी मिल जाएंगे और ऐसे फीडिंग कप्स है वो भी मिलेंगे, और फिश फूड्स है और फिल्टर्स है, टर्टल फूड्स है, सैंड्स है, और कुछ प्रोडक्ट्स है मैं आपको बताता हूँ. रूट प्लांट्स के लिए आप CO2 का टैबलेट डाल सकते हो, ये बहुत इफेक्टिव है. ओके. आप हाफ टैबलेट भी एक टैंक के लिए यूज कर सकते हो. ओके ओके. तो ये अच्छा, मतलब यूज होता है. ओके. और इसका कैपेसिटी लिखा हुआ है 1 टैबलेट फॉर 100. राइट. लीटर्स. रिडोल का वाटर क्लियर है, जिनका क्लाउडीनेस टैंक में ज्यादा करके होते रहता है. हाँ. तो उनके लिए ये अच्छा है. ये लिक्विड आप डोजिंग करोगे तो पानी क्रिस्टल क्लियर रहता है. ओके. फिर एक ये एल्गी रिमूवर है. हाँ. टैंक में एल्गी हो रहा है तो आप ये डाल सकते हो. ओके. और ये आजू का कार्बन प्लस है. कार्बन प्लस आप ये यूज कर सकते हो कोई भी टैंक में. आपका प्लांट्स आपको अच्छे से रखना है, कलर उनको अच्छे से ग्रो करते हुए देखना है, तो आप ये डेली डोजिंग इसका यूज कर सकते हो. प्लांट फर्टिलाइजर है.
और ये कब से इसका क्या यूज है? ये कब से, अभी हमने अपने टैंक में भी रखे हुए थे, अभी क्लीनिंग के लिए निकल है ये. आप प्लांटेशन टैंक हो गया आपका, कुछ सॉइल रखा है आपको उसमें लाइव फीडिंग करना है, ट्यूब भी फिक्स हो गया कुछ, तो ये आप ग्लास बाउल में इसके अंदर डाल के रख सकते हो, तो आपको जो फिशेस है वो वहां के खा जाएंगे, तो आपके सॉइल के अंदर कीड़े नहीं जाएंगे, नहीं होएगा. हाँ. और वेस्टेज कम जाता है लाइफ फूड का. या, तो इसमें अभी दो साइजेस है, ये 50 रुपीज का है, 50 रुपीज का है, बड़ा बोल सकते हो टकीला शॉट वाला, टकीला शॉट वाला, राइट राइट. और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, वो बड़े साइज में है थोड़ा सा, कप जैसा, ये देखिए ये 75 का है, राइट. और कुछ ऐसे नेट्स में भी आपको मिलेंगे, ये जो ग्लास में चिपकेंगे, राइट, ग्लास में चिपकेगा. या और ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं इंस्टिंग में? इंस्टिंग फूड है, जो आपको छोटा टेट्राज हो गए, ओके, गप्पीज है, तो उनको आप डाल सकते हो इनके लिए. और एक टायो का भी फूड, माइक्रो फूड आता है अपने पास में, ओके ओके, वो भी अच्छा यूज होता है. या तो टायो के माइक्रो फूड है ये. ये मैं खुद अपने पास भी फीड के लिए यूज करता हूँ, ओके. और इसके अलावा हम लोग मोस्टली फिशेस को ब्राइन श्रिम्स खिलाते हैं, ओके. ये 25 ग्राम या 50 ग्राम रहेगा? 20 ग्राम का पैकेट, 50 रुपीस का आता है, ओके ओके. हाँ, और यहाँ पे एल्गे वेफर्स भी मिलेंगे आपको, टाय ओके, प्लेकोस या श्रिम्स के लिए एल्गे वेफर हो गया. उसके बाद में ये श्रिम्स का स्टिंग्स भी है, ओके, ओपन बॉक्स है, बस आप टैंक में देखा था वो. हाँ, राइट. तो ये आप कट करके डाल सकते हो, इसके अंदर एक गाइड का ये भी आता है, इंस्ट्रक्शन का पेपर आता है. हाँ, तो इसपे पूरा सब दिखा रहता है कि आप कैसे फीड कर सकते हो क्या. या, या. तो ये पैक के अंदर ही आपको मिल जाता है. ऑटो सिंकलर ये सब भी खाएंगे? वो सब भी खाएंगे. और ये जो स्टिक्स आता है ये प्योर स्पिरुलिना का आता है, ओके ओके. और कलरेशन के लिए भी अच्छा, कलरेशन के लिए अच्छा है. श्रिम्स आपका अगर श्रिम्स ब्रीड हो रहा है तो श्रिम्स के बेबीज भी आपका ये फूड खा सकते हैं, ओके ओके. तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है. उसके बाद में एक और एक ये प्रोडक्ट है, आपको यूनिक प्रोडक्ट है, किड्स के पास अगर कैनिस्टर फिल्टर है. हाँ, तो कैनिस्टर फिल्टर में मोस्टली क्या होता है, जो पाइप है वो अंदर के से उसको एल्गी आता है या डस्ट आता है तो वो गंदा दिखता है, तो उसको अंदर से क्लीन करने के लिए ये वायर ब्रश है. हाँ, ये 2 मीटर लॉन्ग है, ओके. और इसमें छोटा कैनिस्टर के लिए स्मॉल साइज ब्रश है, बड़ा पाइप के लिए बड़ा साइज का ब्रश है. तो आपको अगर आपका कुछ फिल्टर का पाइप वगैरह क्लीन करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो. अच्छा, इसका प्राइस है 300 रुपीज, ओके, 2 मीटर का, 2 मीटर का है, राइट. तो दोनों साइड में अलग अलग साइज के ब्रशेस लगे हुए हैं, ये भी बहुत यूजफुल थिंग है कैनिस्टर फिल्टर्स के लिए. कैनिस्टर फिल्टर हो गया आपका, अगर आप, मैंने जैसे आपको हैंग ऑन फिल्टर दिखाया, या, उसका भी पाइप ट्रांसपेरेंट रहता है, या वो भी क्लीन करने के लिए, क्लीन करने के लिए आपको अच्छा यूजफुल साबित हो सकता है. और ये आरएस का है 1000, और नैनो लाइट्स के लिए, नैनो लाइट्स है लैंपेड्स के. हाँ, ये 3 कलर RGB है, कलर चेंजिंग, ओके ओके. और ये भी ब्राइट लाइट्स है, ब्राइट लाइट है, राइट. तो बीटा टैंक्स में भी आप यूज कर सकते हो, और स्मॉल प्लांटेशन मतलब नैनो टैंक में भी प्लांटेशन के लिए अच्छा यूज होता है. या मेरे काफी सारे कस्टमर्स ने लगाया है, उनके पास में अच्छा रिजल्ट आ रहा है. और एक यहाँ पे बुद्धा का शोपीस है, हाँ, जो अराउंड 6 to 8 inches का हाइट में रहेगा, राइट. और ये फाइबर का है, या और गुड क्वालिटी का है. या और कुछ यहाँ पे इंटरनल फिल्टर्स भी है आरएस के, और सोबो के भी है, ये देखिए सोबो का है यहाँ पे पीछे. किसी को ईएम का चाहिए, ईएम के भी इंटरनल फिल्टर्स आते हैं, ओके ओके. अगर रेट में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, हाँ हाँ, अगर किसी को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, रेट का कुछ इश्यू नहीं है, तो उनको वो भी अरेंज करके मिल जाएगा. या, या. उसके बाद फिश फूड में भी हिकारी के प्रोडक्ट्स आते हैं, ओके ओके. अभी मोस्टली मेरे पास आपको ऑप्टिमम के और अंबर का है, तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है. हाँ, हिकारी का प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी अरेंज करके मिल सकता है. या तो फिलहाल ये अंबर का यहाँ पे है, फ्लावर ऑन का है, ये भी अच्छा प्रोडक्ट है. ऑप्टिमम के माइक्रो पैलेट्स है, और 3-in-1 है, जो और अपना एक रेगुलर ऑप्टिमम. या ये कोई फिशेस के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट. और इसमें भी स्पिरुलिना परसेंटेज कुछ 6% है, ये देखिए. और ये एक छोटा सा बीटा का टैंक है, जिसमें बीटा रख सकते हो. बीटा है ये, एक्चुअली 3-in-1 टैंक है, इसमें आप देख सकते हो ये लॉक्स है. हाँ, तो अगर आपको 3 बेटास रखना है तो आप ये ऐसे रख सकते हो, या 2 रखना है तो पार्टीशन निकल के बीच में आप ऐड कर सकते हो. या ये देखिए एक और एक पार्टीशन है, और एक सिंगल रखना है तो ये दोनों पार्टीशन हटा के आप रख सकते हो. तो ये 3-in-1 टैंक है. या और ये अराउंड 8 inch लंबा है, राइट, 8 inch. तो सिंगल बीटा भी आप रखना चाहते तो इसमें रख सकते हो, ये दोनों पार्टीशन निकाल के. और स्क्वायर में भी आपको यहाँ पे टैंक्स मिल जाएंगे, राइट, राइट, राइट. आपको टैंक जो भी साइज कस्टमाइज चाहिए, हाँ, बीटास के लिए भी, बीटास के लिए हो गया, बड़ा फिशेस के लिए,
तो आपको मिल जाएगा, कस्टमाइज बना के मिल जाएगा। और टर्टल फूड्स भी है यहाँ पे, ये देखिए ये स्मॉल साइज में है और बड़े साइज में भी अवेलेबल है। टर्टल कंडीशनर जिसे कहते हैं, टर्टल कैल्शियम, तो ये टब में रख देने का, सॉफ्ट शेल हो जाता है। हाँ हाँ, तो उसके लिए ज्यादा करके यूज होता है, इस पे लिखा हुआ भी है प्रिवेंट सॉफ्ट शेल। या या, तो टर्टल्स को हेल्दी रखना है तो आप ये यूज कर सकते हो। उसके बाद में अपने पास ये थर्मामीटर्स भी है। ओके, अगर आप टैंक में, आपको टेम्परेचर आपको चेक करना है टैंक का कितना है क्या हाँ, है, पानी का, तो ओके, उसके लिए थर्मामीटर्स भी तो है। ये ग्लास पे अंदर साइड में आपको चिपका के, हाँ राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो सैंड्स है और व्हाइट स्टोन है, व्हाइट स्टोन है, ये प्लांटेशन सॉइल है। इसका आपको बड़ा बैग भी आता है, ये अभी 1 kg का है, 350 rupees का आता है। ओके ओके, और ये तो ये भी कैसे 1 kg के इसमें, हाँ 80 rupees का 1 kg का आता है। या या, तो आप प्राइसेस हाँ, देख सकते हैं, सब में फिक्स प्राइस है। हाँ, और कुछ कलर्ड स्टोन्स है जेम्स यहाँ पे, जेम्स जैसे। या या, ये भी 80 rupees kg है और बड़ा पैकेट भी है। हाँ, ये सॉइल का बड़ा पैकेट है, ये प्लांटेशन के लिए, श्रिम्प्स के लिए। हाँ, अगर किसी को श्रिम्प टैंक ओनली बनाना है तो आप ये सॉइल यूज कर सकते हो 5 kg कलर के लिए। हाँ, 5 kg भी आता है, अगर लूज में चाहिए तो लूज में भी मिलेगा, मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे कुछ लाइट्स है, लाइट्स है अपने नॉर्मल 2 feet के लाइट्स हो गए, ब्लू पेट के लाइट्स है, ब्लू पेट के है। ओके, और सबमर्सिबल लाइट है। और उसके बाद में साइफन पंप्स है, अच्छा वाटर चेंजिंग के लिए जो यूज होता है साइफन पंप वो है। नेट्स है, काफी सारी साइजेस में नेट है, छोटा बड़ा साइज में भी। हाँ, आपको जो साइज का नेट चाहिए तो वो है, और ये सॉफ्ट नेट है, इससे फिश को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होता है, ये सॉफ्ट वाले नेट्स हैं। और यहाँ पे भी कुछ स्मॉल साइज के भी नेट्स मिलेंगे आपको। तो फ्रेंड्स, ऐसे टैंक भी आपको मिलेगा, ये मोल्डेड टैंक है राइट, 2 feet का, या 2 feet का टैंक है, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और अलग अलग साइजेस के भी मिल जाएंगे ऑर्डर करके, और कस्टमाइज टैंक बना के भी मिलेंगे। ओके ओके, तो साई सर थैंक्स, मुझे यहाँ पे आपने बुलाया और अच्छा सा मेरे को ये कलेक्शन आपका देखने मिला फिशेस का। और आप हमारे ये व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे कि आपने अभी पूरा मेरा स्टोर देख लिया है, तो आप यहाँ पे कभी भी विजिट कर सकते हो, 24 hours ओपन सर्विस है अपना। लेट नाइट अगर कभी आपको आना है, कुछ जॉब से लेट छूट रहे हो कुछ, तो आप मुझे 10 बजे के पहले कॉल करो, तो मैं वो टाइम पे अवेलेबल रह सकता हूँ। और बाकी जो फिशेज आपको अभी जो शॉप में दिख रहा है, तो ये एवरी टाइम चेंज होते रहते हैं। कुछ पर्टिकुलर वराइटीज जो है जो मेरे पास आपको रेगुलर मिलेगा, जो ज्यादा रनिंग में, जैसे कि अभी आपको कार्डिनल नेटर्स नहीं दिखा शॉप में, तो अगली बार कार्डिनल मिल जाएगा आपको। और बहुत सारे वराइटीज है जो अपडेट होते रहते हैं, एल सीरीज प्लेटफॉर्म भी अपने पास आते हैं, क्रिस्टल नोज है, तो जो यूनिक वराइटीज है वो रेगुलरली अपने पास अपडेट होते रहेगा शॉप। और जो कस्टमर्स को रेगुलर अपडेट चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप पिंग कर दो, आपका जो नंबर है मैं ब्रॉडकास्ट में ऐड करूंगा, तो शॉप के रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आपको रेगुलरली मिलते जाएगा। और जो अपना फिश का लिस्ट आता है तो मैं व्हाट्सएप में रेगुलरली अपडेट रहता है, मेरा PDF आता है विद फोटोज, तो कस्टमर को कंफ्यूज नहीं होता नाम देख के कि कौन सा फिश इसे क्या है, तो हम लोग विद फोटोज का लिस्ट आपको अपडेट में आते रहेगा। अच्छा, और ऑल ओवर बॉम्बे आपका ये डिलीवरी होता है? अगर ऑल ओवर बॉम्बे जो कस्टमर आपको यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते, उनको मैं फोटोज वीडियो भेज के वीफास्ट से डिलीवरी कर सकता हूँ, जो भी चार्जेस रहेगा कस्टमर को उसका पे करना पड़ेगा। अगर आपको आउट स्टेशन का भी है तो उनको भी रिटेल होलसेल जो भी है मिल जाएगा, वो क्वांटिटी में मिल जाएगा, सिर्फ उनको शिपिंग का जो भी चार्जेस रहेगा उनको पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इनका डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इनको, या तो फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके रेट्स पता कर सकते हो और स्टॉक अवेलेबिलिटी पता कर सकते हो। तो थैंक यू सर, फिर और भी हम नए अपडेट्स आएंगे, तो नया स्टॉक आएगा तो नए वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू, आपने यहाँ पे आके वीडियो दिया, एक्चुअली मुझे थैंक यू कहना चाहिए। और सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और इनके चैनल का बड़ा ग्रोथ होते रहे, और थैंक यू सो मच आपने वीडियो बनाया। तो फ्रेंड्स, ये था फिन्स एंड फेदर्स एक्वेरिया फ्रॉम माहिम वेस्ट। आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए।